हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये डिज़ाइन दो कलर की है। ये एक कलर में भी बनती है, दोनों में उतनी ही सुंदर लगती है। ये ऐसे लंबी लंबी छड़ियों सी बनी हुई है। इसको बनाने के लिए मैंने ये कुल 14 फंदे डाले हैं और एक फंदा शुरू का और लास्ट का, तो कुल 12 फंदे डिज़ाइन के हैं और एक एक फंदे दोनों तरफ के वो हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने वाइट और रेड कलर लिया है। वाइट कलर से मैंने फंदे 14 डाल के फर्स्ट फंदा तो बुना सीधा, फर्स्ट और लास्ट अगर आप बुनते हैं तो बुने और उतारते हैं तो उतारें। उसके बाद एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा से सारी रो कंप्लीट कर ली। और उल्टी तरफ, उसके उल्टी तरफ भी एक सीधा एक उल्टा बुना, मतलब वाइट कलर से हमने एक सीधा एक उल्टा की दो सिलाइयाँ बुन ली। उसके बाद हमने रेड कलर लगाया। और रेड कलर हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए, ये वाइट पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया, फिर पहला फंदा सीधा बुना। अब दूसरा फंदा देखिए, हमें यहाँ इस फंदे में नहीं बुनना है, इस जगह पे, ये देखिए जो आपको ये होल सा दिख रहा है, ये फंदे के बगल में यहाँ होल दिख रहा है, इसमें सिलाई ऐसे घुसा के और ये फंदा लपेटा और एक फंदा ये हमने बना लिया, वाइट फंदा बना लिया। और ये जिसके बगल में हमने सिलाई घुसा के फंदा बनाया था, उस फंदे को हम गिराएंगे नहीं, उसको भी इस सिलाई पे ले लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए रेड और वाइट का एक पेयर बन गया। फिर ऊन आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे और उसी जगह से ये जो देखिए ऐसे खींच के देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो होल सा दिख रहा है, ये यहाँ इस फंदे के बगल में यहाँ पे ये जो होल सा दिख रहा है, यहाँ पे सिलाई इंसर्ट करके और ये पीछे लपेट के और ये एक फंदा हम बना लेंगे। और इस वाले फंदे को गिराएंगे नहीं, उसको भी इसी सिलाई पे ले लेंगे। ये इस तरह करेंगे तो रेड और वाइट का एक पेयर बनता जाएगा और बीच में एक फंदा उल्टा। फिर ये देखिए इस जो ये देख ये ऐसे फैला के यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे सिलाई को ऐसे करेंगे और ये ऐसे और एक फंदा वाइट का बना लिया और ये वाइट रेड वाले को भी सिलाई पे वापस ले लिया। फिर बीच में एक उल्टा, फिर इस जगह में सिलाई घुसा के एक वाइट ये रेड को पेयर बनाया, एक उल्टा इस जगह से सिलाई घुसा के ये ऐसे एक वाइट और इस रेड वाले को गिराएंगे नहीं, इसको भी अपनी सिलाई पे ले लेंगे। ऊन आगे एक उल्टा, ऊन पीछे ये ऐसे, ये और ये ऐसे, ये एक उल्टा और ये ऊन पीछे एक सीधा, ये इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। इसके उल्टी तरफ देखिए, ये ऐसे जैसे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर होता है वैसे दिखाई दे रहा है। और ये हमें कैसे बनाना है हमें देखते हैं। अब इसमें जैसे एक रेड और वाइट का जो पेयर है, इसमें सारे फंदे जो हमारे हैं वाइट हो जाएंगे। पहला फंदा तो हम उतारते हैं तो उतार लें, बुनते हैं तो बुन लें। उसके बाद देखिए सीधा फंदा है, जो उधर हमने उल्टा बिना था वो इस तरफ एक सीधा हो जाएगा। फिर ऊन आगे करेंगे और ये जो रेड और वाइट का पेयर है, इन दोनों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा, ऊन आगे और ये दो फंदे दो का एक, ऊन पीछे एक सीधा ये दो का एक, ऊन पीछे सॉरी इसमें एक फंदा छूट गया, ये दो फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा और ये दो का एक, ये दो का एक, ये लास्ट का फंदा। ये हमारी रो, ये हमारी रॉन्ग साइड है, पूरी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में या जहाँ भी आपको उचित लगे ये आप उसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है और ऐसे छड़ी सी डिजाइन, मतलब लंबी लंबी ऐसे स्ट्रिप से बनती है। अब हमारे ये सारे फंदे वाइट हो गए। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे रेड वाला। ये एक फंदा फर्स्ट फंदा ऐसे बिना और फिर
जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए इस जगह में ये होल दिख रहा है, यहाँ पे सिलाई को घुसाएंगे और ये पीछे से ऐसे सिलाई पे लिया और ये इसके बीच से खींच के एक फंदा बना लिया और ये वाइट वाले को ऐसे ले लिया जैसे हमने पहले भी किया था। फिर बीच का एक फंदा उल्टा, फिर उन पीछे इस जगह सिलाई घुसाई ये ऐसे और इसको भी ले लिया, फिर उन उल्टा उन पीछे और इस जगह से सिलाई घुसाई और ये ऐसे, फिर ये उल्टा। ये देखिए अब जैसे हमने पहले किया था, मैंने बस आपको क्लियर हो जाए इसलिए बताया। और रॉन्ग साइड में एक सीधा और ये जो रेड और वाइट का पेयर है ये दो का एक उल्टा बुन के करेंगे। देखिए डिज़ाइन बनाइए, ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप विज़िट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।